वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है, मोदी ने अपने मातृभाषा में तकरीर करके हमारे मुंह पर जूता मार दिया। भैया हम ये क्या है, इनको प्रॉब्लम क्या है, मुझे समझ नहीं आता है कि कुछ भी यह करेंगे इंडिया करेगा, हमारे साथ हो गया, हमको ये दे दिया, अरे हमने अपनी हिंदी भाषा में बोला, आपको क्या प्रॉब्लम है, गॉड नोज। उन लोगों ने इंग्लिश में बोला था। हाँ, उन्होंने तो इंग्लिश में बोला था। खान ने जो रिकॉर्डिंग भेजी थी वो इंग्लिश में थी। हाँ, वो तो इंग्लिश में बोली थी और यहाँ पे हमने अपनी मातृभाषा में बोला। हाँ, तो बहुत अच्छी बात, हमने तो अच्छा काम किया है, तो उसमें आपको क्या, आपको आप समझदार होते तो आप भी कर लेते। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो देखते हैं, पता करते हैं क्या बोल रहे हैं ये लोग। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। आपको पता है कि मोदी ने हिंदी में तकरीर की है, और हमारा वजीर आजम जो उर्दू का जो है वो हमें भाषण देता पड़ता था, वो फिर अंग्रेजी में ही तकरीर करके आया है। खान साहब ने जो स्पीच की है, स्पीच करने वाले को बर्खास्त कर देना चाहिए, कोई इतनी हाई स्पीच नहीं थी। इसके मुकाबले में जब हम मोदी जी की स्पीच के ऊपर आते हैं, तो मोदी जी का जो कॉन्फिडेंस था वो बहुत हाई था, इसमें कोई शक नहीं। और उसकी वजह क्या थी? बाइडेन और मोदी जो है वो खड़े होकर हंस रहे थे वजीर आजम इमरान खान के ऊपर। एक कह रहा है कि मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया, दूसरा कह रहा है मैं उठाता ही नहीं हूँ। तो मतलब क्या कर, बीच में वो कुछ फिल्बदी भी बोले, जिस पर काफी सोशल मीडिया पे राय का इजहार हो रहा है, लेकिन जब हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट की बात आती है तो कई बार वो कॉन्टेक्स्ट सही बयान करने में नाकाम भी हो जाते हैं। उसके साथ साथ एक चीज और थी कि मोदी जी ने जब वहां पे बात की पाकिस्तान के हवाले से, तो उनके साथ उन लोगों ने एग्री किया। जैसे ही ये तकरीर खत्म हुई, पाकिस्तान में एक तनाजा खड़ा हो गया, बहस का आगाज़ हो गया कि क्या वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस तकरीर के दौरान अफ़गानिस्तान के मामले पर बात करते हुए साबिक अमरीकी सदर रोनल्ड रेगन के हवाले से मंसूब एक झूठी बात, गलत बात की, गलत बयानी की, हकाइक को तोड़ मरोड़ कर बयान किया। मेरा ख्याल है कि खान साहब को भी एक बार उनकी स्पीच सुन लेनी चाहिए। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। यूनाइटेड नेशन में दी गई इमरान खान की स्पीच उसके गले की हड्डी बन गई। पूरे पाकिस्तान ने अपने प्राइम मिनिस्टर को इस स्पीच की वजह से कटघरे में खड़ा कर दिया। दूसरी तरफ भारतीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की स्पीच की पाकिस्तानी मीडिया तारीफ करता नहीं थक रहा। पाकिस्तानी मीडिया ये बता रहा है कि मोदी साहब ने अपनी मातृभाषा में तकरीर करके हमारे मुंह पर जूता मारा है, और उनकी स्पीच का लेवल इमरान खान से कहीं ऊंचा था। दूसरी तरफ इमरान खान ने अपनी स्पीच में फिर हिस्टोरिक फैक्ट्स की ऐसी तैसी कर दी। हाँ, और इतने बड़े मन से बहुत बड़ा झूठ बोल डाला। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इमरान खान के बोले इस झूठ को पकड़ लिया। एक बार फिर इमरान खान पाकिस्तान के लिए मजाक का पात्र बन गया। एक बार फिर इमरान खान ने पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय इंसल्ट करवा दी। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। प्राइम मिनिस्टर की स्पीच का जरा हवाला देते हैं। हमने जो स्पीच की है, स्पीच करने वाले को बर्खास्त कर देना चाहिए, कोई इतनी हाई स्पीच नहीं थी। बहुत शुक्रिया समर। नहीं नहीं, वाकई उनके ललकारने के बाद इंटरनेशनल मीडिया जो है उसमें आपको ने शायद देखा नहीं, वहाँ पे आहो बका मची हुई है। ये तो आलम है इनका, ये खुद पसंदी, खुद नुमाई, खुद सताइशी से बाहर नहीं निकलते, और खुद का आलम यह है दूसरों को पर्चियाँ पकड़ने की जो है वो करते थे, और खुद ने एडिटेड प्रॉम्प्टर से लिखी हुई तकरीर पड़ी है और वो रिकॉर्ड करके जो है वो रिलीज़ की गई, फिर भी जो है वो हसब आदत हसब रवायत जो है वो बोंगियाँ मारने से बाज नहीं आए। और दूसरी बात यह है कि आपने एक मुनाफ़कत इमरान खान की देखी होगी, उनको उन्होंने कहा अंग्रेजी बोलने वाले ये और वो, और पूरे मुल्क के अंदर उन्होंने अंग्रेजी खत्म करा के, और वो यकसा निसाब और फलाना, और उन्होंने कहा उर्दू में बात होनी चाहिए, हर जगह उर्दू में जबान होगी। आपको पता है कि मोदी ने हिंदी में तकरीर की है, और हमारा वजीर आजम जो उर्दू का जो है वो हमें भाषण देता पड़ता था, वो फिर अंग्रेजी में ही तकरीर करके आया है। ये है इनकी मुनाफ़कत का असल चेहरा। ये इमरान खान साहब जो है ये करते कुछ हैं और कहते कुछ हैं, किसी का इम्पैक्ट नहीं बना वो। हाँ, मोदी ने आज कर ली ना हिंदी में तकरीर, तो फिर ये जो उर्दू जबान का चैंपियन है, फिर ये भी उर्दू में कर लेता तकरीर, अगर वाकई वो बन गया कि प्रॉम्प्टर पर जाहिर अंग्रेजी में लिखी हुई थी तो वो उसी में करनी पड़नी थी। अमेरिका जाना चाहिए था खान साहब को। देखिए वो अपने
वो इसलिए हाँ जाना चाहिए था, वो नहीं जा सके बिकॉज उनको साइड लाइन पे कोई मुलाकातें नहीं मिली. इनको कोई जिनको इस्लामाबाद का मेयर नहीं समझते लोग, उसको मुलाकातें कहाँ मिलेंगी, उनको अपॉइंटमेंट कहाँ मिलेगी, वो देख लिया ना आपने. वो आज जो है मुझे बड़ा अफसोस हुआ तस्वीर देख के, बाइडन और मोदी जो है वो खड़े होकर हंस रहे थे वजीर आजम इमरान खान के ऊपर. एक कह रहा है कि मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया, दूसरा कह रहा है मैं उठाता ही नहीं हूँ. तो मतलब क्या करें, कभी तालिबान को जो है वो फाउंडर मेंबर्स कह दिया और दूसरी तरफ जो है पूरे पख्तूनों को जो है वो तालिबान का साथी बना दिया. मतलब पख्तून जो है वो सारे जो है वो तालिबान के साथी हैं, उनके बड़े उनके साथ पुराने टाइज हैं. आप अंदाजा लगाइए. बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर जब इंटरनेशनल लेवल पे बात करते हैं पहले तो उनके स्पीच राइटर्स को देखना चाहिए कि वो कोई ऐसी बात ना कहें जिससे जो है वो बाद में कोई हंसी का मौका या लोगों के लिए मजाक का मौका बन के रहे. इसके मुकाबले में जब हम मोदी जी की स्पीच के ऊपर आते हैं तो मोदी जी का जो कॉन्फिडेंस था वो बहुत हाई था, इसमें कोई शक नहीं. और उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि यार जिस वक्त वो रवाना हो रहे थे न्यू दिल्ली से और उनका सफर शुरू हुआ था वाशिंगटन, तो उनकी मुलाकात पहले से प्लान थी विद प्रेसिडेंट ऑफ यूएस जो बाइडन के साथ. तो यकीनन आप दुनिया के वाहिद सुपर पावर के प्रेसिडेंट के साथ आपकी मुलाकात होनी है, एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी सक्सेस है. हालांकि कहा यह जाता रहा कि जो बाइडन के आने के बाद हो सकता है, क्योंकि ट्रंप जिस पार्टी से थे और जो बाइडन, तो दोनों अपोजिट हैं और उनके जो बातें भी जिस वक्त इलेक्शन हो रहा था हिंदुस्तान के हवाले से, वहां की डेमोक्रेसी के हवाले से, वहां की माइनॉरिटीज के हवाले से, कमला हैरिस हो या जो बाइडन हो, उनकी बातों की वजह से लोग बड़े नाला थे, हिंदुस्तानी लोगों की मैं बात कर रहा हूं और वहां की हुकूमत भी. लेकिन जो पॉलिसीज हैं अमेरिका की वो यकीनन वही होती है, वो चेंज उसको नहीं करते. बेशक किसी भी पार्टी की हुकूमत आती है तो उसी तरीके से बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया गया नरेंद्र मोदी जी का. और उसके साथ एक बहुत अहम बैठक जो वहां हिंदुस्तान अमेरिका में हुई वाशिंगटन में, दैट वाज इन द ओवल ऑफिस, एक तो मुलाकात थी और उसके साथ साथ एक क्वाड की मीटिंग जो थी, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस एंड उसके अंदर जो है हिंदुस्तान. उसके साथ साथ एक चीज और थी कि मोदी जी ने जब वहां पे बात की पाकिस्तान के हवाले से, तो उनके साथ उन लोगों ने एग्री किया जिन लीडर्स के साथ उनकी मुलाकातें थी. तो यकीनन आपका कॉन्फिडेंस का जो लेवल है वो इंतहा का हाई है कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और इस जैसे ममालिक आपको कहते हैं ठीक है आपकी बात सही है, वो जो भी है लेकिन वो ठीक है, तो यकीनन आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो हाई होता है. लेकिन जैसे ही ये तकरीर ख़त्म हुई पाकिस्तान में एक तनाज़ा खड़ा हो गया, बहस का आगाज़ हो गया कि क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने इस तकरीर के दौरान अफ़गानिस्तान के मामले पर बात करते हुए साबिक अमरीकी सदर रोनल्ड रेगन के हवाले से मंसूब एक झूठी बात, गलत बात की, गलत बयानी की, हकाइक को तोड़ मरोड़ कर बयान किया. एक गलत वीडियो का इस्तेमाल जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से किया गया तो फिर ये मामला मजीद किस तरीके से उलझा और तनाज़ा जो है वो बढ़ता चला गया. फिर कहते हैं कि सदर रोनल्ड रेगन ने 1983 में उनको यानी कि मुजाहिदीन को वाइट हाउस में दावत दी. एक न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने मुजाहिदीन का मवाजना अमेरिका के बानियों के साथ किया. ये गुफ्तगू थी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जिसके ऊपर ये तनाज़ा खड़ा हुआ. बीच में वो कुछ फिलबदी भी बोले जिस पर काफ़ी सोशल मीडिया पे राय का इजहार हो रहा है कि उन्होंने कुछ पश्तून नेशनलिज्म का जो कॉन्टेक्स्ट है वो सही तरीके से बयान नहीं किया और ख़ान साहब जो हैं उनको फिलबदी बोलना बहुत पसंद है, वो बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं लेकिन जब हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट की बात आती है तो कई बार वो कॉन्टेक्स्ट सही बयान करने में नाकाम भी हो जाते हैं. अब जो है वो खान साहब की अपनी गलती है कि उन्होंने उसी एक ही राइटर रखा हुआ है, एक ही है उनका जो बार बार उनको सेम लाइंस लिख के दे देता है और वही पढ़कर वो आगे बढ़ जाते हैं. लेकिन खैर कोई बात नहीं, अब क्या हो सकता है, अब तो टाइम निकल गया. उनके मुकाबले में अगर हम देखें कि जी जो हमने आज सुनी प्राइम मिनिस्टर जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी स्पीच आज हमने सुनी जो काफ़ी बैलेंस थी. मेरा ख्याल है कि खान साहब को भी एक बार उनकी स्पीच सुन लेनी चाहिए और साथ ही. तो फ्रेंड्स मुझे बड़ा मज़ा आया आज की ये देखने में. जैसे इन लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही थी कि इमरान खान ने इतना कुछ गलत बोल दिया, मेरे को लग रहा है फैक्ट्स भी गलत बोल दिए
और इस टाइप से जो बातें की हैं, और सबसे ज्यादा उन्हें गुस्सा इसी बात का था कि वैसे तो अच्छा मुझे नहीं पता था कि सारे इंग्लिश स्पीकिंग और दूसरे लैंग्वेजेस बंद करा दी हैं स्कूलों में और हर जगह, और कह रहे हैं सिर्फ उर्दू में ही सब कुछ सब लोग बात करो। तो वही ये कह रहे हैं कि वो यहाँ पे अंदर तो आप ये बोल रहे हो और वहां जब स्पीच देने की बारी आई तो इंग्लिश में बोल रहे हो, मतलब बोल कुछ यहाँ रहे और खुद तुम खुद कोई और लैंग्वेज यूज कर रहे हो, और वहां देखो मोदी जी वो अपनी लैंग्वेज अपनी हिंदी में बोल के आए हैं, और सारे बड़े वो परेशान है कि मोदी जी जो है उनकी स्पीच इतनी अच्छी थी हमारी स्पीच बेकार थी। और मजे की बात यह है कि एक तो वहां गए नहीं, ऊपर से जो बोलना था वो भी रिकॉर्डेड भेजा, नहीं तो आप एटलीस्ट उस टाइम लाइव आके स्पीच दे सकते थे, वो भी तो कर सकते थे, पर इतना मतलब पुअर परफॉर्मेंस थी कि स्पीच में तो गड़बड़ थी पर वो भी लाइव नहीं रिकॉर्ड करके, और वही कह रहे हैं कि सामने कुछ लिखा हुआ प्रभु उसको पढ़ दिया उस टाइप से किया है। तो मोदी जी ने तो देख लो सारा बिना कहीं लिखे हुए कुछ अपने ब्रेन से सारा पूरा बोला, कमाल है वैसे इतना कुछ याद रखना, मुझे तो पता नहीं कैसे याद होता है, हमें याद है हमारे तो डिबेट होती थी जान निकली होती थी स्कूल टाइमों में, एक एक लाइन लर्न करे ओ फिर भूल गए फिर लर्न करो। यहाँ पे मोदी जी जगह जगह जाते हैं सारी अपनी स्पीच इतनी अच्छी तरह दे देते हैं, कमाल की मेमोरी है उनकी भी, तो सब इम्प्रेस्ड है भाई। और मैं तो कह रही हूँ कह रहे कैसे उनके से उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई था, मैं कहा ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, इनको ये नहीं समझ रहा है इसलिए क्योंकि उनके पास पूरे इंडिया का सारे इंडियंस का सपोर्ट है, तो ऑब्वियसली और है वो इंडिया के, इंडिया जैसी कंट्री में से वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस लेवल तो हाई होना ही होना है, कोई शक की बात ही नहीं। नहीं बहुत अच्छी बात है, मेन पॉइंट ये था अपनी मातृभाषा में बोलना बहुत जरूरी था। अगर आप यूरोप में ही देखें तो यूरोप में ही जब पोर्चुगल के बोलते हैं पोर्चुगीज बोलते हैं, स्पेन के स्पेनिश बोलते हैं, फ्रेंच के जो है फ्रांस के फ्रेंच बोलते हैं, जापान के भी तो जापानीज बोले थे, जर्मन्स बोल रहे हैं, इटालियन बोल रहे हैं, ग्रीक मतलब ग्रीस वाले ग्रीक बोल रहे हैं, जापानीज बोल रहे हैं, रशियन बोल रहे हैं, सारी कंट्रीज जितनी भी हैं पूरी यूरोप में वो इंग्लिश नहीं बोलती हैं। अगर आप यूरोप में जाते हैं तो वहां पे आपको नजर आता है कि लोगों को इंग्लिश आती है, वो समझ सकते हैं, कुछ टूटी फूटी बोल भी सकते हैं, मगर उनकी अपनी मातृभाषा प्राइमरी लैंग्वेज होती है जो यूज होती है। इनफैक्ट उसमें से जर्मनी तो बहुत ही कट्टर है, तो वही कुछ ऐसे देश हैं जहां पे उनको इंग्लिश आती है थोड़ा कम, मगर वो बिल्कुल अपनी भाषा में बोलते हैं। इनफैक्ट हर चीज अगर आपको कोई पीएचडी भी करनी है तो उन्हीं की भाषा में होती है, ऑफकोर्स इंग्लिश भी सपोर्ट देते हैं मगर अपनी लैंग्वेज प्राइमरी है। तो बिल्कुल सही था, किसी इंसान को भी सोचना नहीं चाहिए था जब यूरोप के ही लोग अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं अपनी भाषा में, तो हमें भी ऑब्वियसली अपनी भाषा में बोलना चाहिए था और बोला गया था, तो ये तो ऑब्वियस था। अब यहाँ पे डेफिनेटली ये थोड़ा आउट ऑफ द है कि आप अंग्रेजी में क्यों बोल रहे हैं, आपको अंग्रेजी आपकी भाषा तो है नहीं, आपकी भाषा जो भी अगर बोल रहे हैं ऑफिशियली उर्दू है तो उर्दू बोलना चाहिए था, और वही क्रिटिसिज्म हो रहा था कि पूरे देश में आप कहते रहते हैं उर्दू और यहाँ पे आप जाके अंग्रेजी में बोल दिया, तो वो क्रिटिसिज्म कर रहे थे। दूसरा रोनाल्ड रेगन के बारे में मेरे ख्याल से उन्होंने बोला है, कुछ गलत फैक्ट्स उन्होंने बता दिए थे जिसपे भी क्रिटिसिज्म यूनाइटेड नेशंस ने पकड़ी है, वो प्रॉब्लम। अब दूसरी बात यह है कि ये पहली बात है लाइव स्पीच नहीं थी, टेलीवाइज थी मतलब रिकॉर्डेड थी, तो जब भी आप कोई स्पीच रिकॉर्ड करते हैं जैसे वो कह रहे हैं कोई उनका हेल्प करता है लिखने में, वो हमेशा हर लीडर को एक स्पीच लिखने वाले लोग होते हैं जो कुछ वर्जन्स देते हैं स्पीचों के, और नॉर्मली जो भी लीडर है वो उसमें से पार्ट्स ले लेके पूरा फाइनलाइज करता है, मतलब ऐसे वर्बेटिम कोई नहीं लेता, कई ऐसे केसेस भी होते जहां वर्बेटिम किए उनकी काफी यूएस में कुछ लोगों ने बिल्कुल वैसे ले लिया था प्रॉब्लम आई थी, मगर जो समझदार हैं वो दो चार सैंपल देखते हैं फिर अपनी बनाते हैं वहां से देखकर और उसी को पूरा लर्न करते हैं और वो सब करते हैं। तो वही कह रहे थे कि जो जिन्होंने लिखाई है जिन्होंने लिख के दी है उसकी आपको फैक्ट चेक करना चाहिए था, आपको चेक करना चाहिए था वो रेलेवेंट है नहीं है। तो बहुत अच्छी वीडियो था, वेरी नाइस। तो फ्रेंड्स चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।